देखो भाई, रीसेंट टाइम्स के तीन ऐसे कंटेंट बताऊंगा आपको आज जो आपका टाइम डिजर्व करते हैं। ट्रस्ट मी, ये तीनों मूवीज और सीरीज आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज मैं आपको जिन तीन मूवीज और सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ उसमें से एक है मूवी और दो है सीरीज। मूवी जिसका नाम है हंगर, सेकेंड है एक सीरीज जुबली, एंड थर्ड है नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आई है जिसका नाम है बीफ। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी हंगर के बारे में। बेसिकली ये एक रैग्स टू रिचेस स्टोरी है एक शेफ की। एक फीमेल शेफ होती है जो अपने फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट को चलाती है और वो वहां पर नूडल्स बनाते हैं, बहुत ही बेसिक खाना वो वहां पर बनाते हैं। तो अब एक बहुत ही एलीट लेवल का शेफ होता है शेफ पॉल, तो वो उसको कॉन्टेक्ट करता है कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो, तुम ओवर स्किल्ड हो, तो तुम मेरे लिए काम करो, यहाँ पर काम मत करो। अब जब वो वहां पर जाकर काम करने लगती है तो उसको बहुत जल्दी फेम मिलने लगता है बिकॉज वो वहां पर काफी मेहनत करती है, बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है एंड फिर वो वहां से अपना खुद का नया रेस्टोरेंट स्टार्ट करती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसको ये पता चलता है कि ये सब चीजें मुझे डेफिनेटली नहीं चाहिए थी, इस तरीके का फेम मुझे नहीं चाहिए था, मैं अपने उस छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर ही काफी खुश थी। अब बेसिकली इस मूवी को देखने के बाद आपको विप्लैश वाली वाइब्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो ये स्टोरी आपको इसकी लीड एक्ट्रेस, उनका नाम मैं यहाँ पर डाल दूंगा, भाई बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं करना चाहता गलत, उनके एक्टिंग के लिए आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए बिकॉज इस मूवी का बेस्ट पार्ट मेरे लिए वही है। एंड बाकी जितनी भी सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इस मूवी के टच करने की कोशिश करी गई है उनको और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था। एंड इस मूवी में आपको दो ही कैरेक्टर्स हैं, एक तो शेफ पॉल का कैरेक्टर और इसमें लीड एक्ट्रेस का कैरेक्टर, जिन पर बहुत ज्यादा टच अपॉन किया गया है। बाकी ऐसा कोई सपोर्टिंग कास्ट में इंपेकेबल परफॉर्मेंस में नहीं कहना चाहूंगा बिकॉज उनका कैरेक्टर ही इस तरीके से लिखा गया था, ज्यादा स्क्रीन टाइम उनको मिला ही नहीं है। तो ये वाली मूवी जरूर चेकआउट करना। सेकंड सीरीज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं वो है Amazon Prime के ऊपर जुबली। अगर मैं इसको एक लाइन में आपको बताऊं तो दिस is a love letter to Hindi film industry. ये late 1940s partition के time पे और early 1950s में set है and basically ये एक story है Roy Talkies नाम के एक film studio की and उसके चारों तरफ जिस तरीके से वो लोगों की life को impact करता है। तो basically Roy Talkies वाले क्या करते हैं, किसी भी एक एक्टर को लेकर आते हैं और फिर उसको वो लॉन्च करते हैं एंड उसको स्टार बनाते हैं। तो इस सीरीज के अंदर ना जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिखाए जाएंगे उन कैरेक्टर्स की स्टोरी आपको काफी अच्छी लगने वाली है, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी, जैसे कि सुमित्रा कुमारी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि रॉय टॉकीज के मालिक श्रीकांत रॉय की बीवी होती है और वो खुद एक स्टार होती हैं, वो अपने उस स्टार से जिसको वो लॉन्च करना चाहते थे उससे प्यार करने लगती हैं और जब वो इंसान वहां नहीं होता तो वो उसको ढूंढने लगती हैं। लेकिन एक या दो एपिसोड के बाद जहां पर हो सकता था कि उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता था, आगे के तीन एपिसोड के अंदर वो एकदम से मतलब गायब ही हो जाता है। इस शो को बेसिकली आपको देखना चाहिए इसकी सिनेमेटोग्राफी के लिए, इसके डायलॉग्स राइटिंग के लिए और किस तरीके से ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक होमेज देती है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक रेस्पेक्ट जो देती है ये, वो उसके लिए आपको देखना चाहिए। इस मूवी के डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवानी। आई रियली लाइक हिज वर्क लाइक लुटेरा, उड़ान, ये एकदम परफेक्ट नहीं है लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा इस सीरीज को जब आप देखने जाओगे तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो इंडियन ओटीटी स्पेस में बहुत ही कम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन जब भी ऐसी चीजें ट्राई होती हैं तो ऑडियंस उनको डेफिनेटली पसंद करती है। इस सीरीज के जो दो कैरेक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, एक तो है जैक खन्ना का कैरेक्टर जो कि सिद्धांत गुप्ता ने प्ले किया है एंड एक है अपाशक्ति खुराना का कैरेक्टर जो कि है विनोद दास उर्फ मदन कुमार का कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। हाँ, काफी सारे फ्लॉज हैं इस सीरीज में अभी तक, इसके अभी 5 और एपिसोड्स आने हैं तो लेट्स सी कि वो इसके साथ क्या करने वाले हैं। डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको जाकर जरूर देखो। एंड थर्ड सीरीज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं उसका नाम है बीफ। अब मैं आपको ये बता दूं कि बीफ एक A24 फिल्म्स प्रोडक्शन है, तो आप इस नाम से ये समझ सकते हो कि कुछ अलग ही हमें देखने के लिए मिलेगा और कुछ बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मैं अभी इसके 4 एपिसोड्स देख चुका हूं तो मैं आपको फुली इसको समझा नहीं पाऊंगा या फिर मैं फुली ये नहीं कह पाऊंगा कि मुझे क्या अच्छा लगा और मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। कैसे आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ऊब जाते हो कभी कभी एंड यू वॉन्ट टू हैव अ फ्री टाइम, लेकिन आप
आपको वो फ्री टाइम नहीं मिल पाता। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक कैरेक्टर तो अपनी लाइफ में यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, वो उसकी कोई मदद नहीं करता, उसका खुद का भाई उसके साथ उसकी मदद नहीं करना चाहता, उसके साथ नहीं रहना चाहता। एंड दूसरी तरफ जो दूसरा कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, वो अपनी इस लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहती है। तो दोनों ही कैरेक्टर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो आपको समझ आएंगी। एंड बीच में जो कॉमेडिक मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फनी है एंड कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप कर दिया, लेकिन हाँ बिलीवेबल लगते हैं और बहुत ही ज्यादा फनी लगते हैं। व्हाट आई थिंक 4 एपिसोड्स के बाद, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। बहुत ज्यादा ओवर एग्जैगरेट हो सकता है मैं इसको कर रहा हूँ, बट अभी 4 एपिसोड्स और देखने बाकी हैं, लेकिन अभी तक मुझे तो ये भाई ये बहुत पसंद आई है एंड आई विल बी डेफिनेटली फिनिशिंग इट। इसका पूरा मैं एक डेडिकेटेड रिव्यू आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अगर आप वो लोग देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको तीनों में से कोई भी कॉन्टेंट पसंद आता है तो भाई कॉमेंट जरूर करना, और क्या आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोज और देखना चाहोगे तो उसके लिए भी कॉमेंट करना। बाय बाय।